बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, ACCA FA2 के अंदर आज हम चैप्टर नंबर एट दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रीटमेंट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो है सवालात जो है हम विद रिस्पेक्ट टू BPP एग्जामिनेशन किट के MCQs हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 9.1 से दिया हुआ है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन when compared with the average cost method inventory will usually result in which of the following। हमने पढ़ा था in times of rising prices, यानी continuously जो है हम जो inventory या goods खरीदने जाते हैं तो पहले दिन से ज़्यादा महंगी मिलती है, जो कि आजकल की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई होता है, यानी जब भी हम गुड्स परचेज करने जाते हैं तो पिछली दफ़ा की कॉस्ट से कुछ ना कुछ बढ़ा कर ही उसमें पैसे जो है वो ज़्यादा महंगी ही मिल रही होती है। तो इन टाइम्स ऑफ प्राइस हाई प्राइसिंग या इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस FIFO मेथड विल गिव हाईएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट और लोअर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हायर प्रॉफिट और हायर नेट प्रॉफिट और हायर कैपिटल जो है वो आता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे लिहाज से ए आंसर है। 9.1 का आंसर जो है इन टाइम्स ऑफ, वापस से पढ़ने, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हेन कंपेयर विद एवरेज कॉस्ट मेथड हाई प्रॉफिट लोअर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, हायर प्रॉफिट एंड हायर क्लोजिंग स्टॉक आता है। बी बीटा इज द राइट आंसर। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस में आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हाई आती है, लिख भी दूं ताकि याद रहे, और उसकी वजह से प्रॉफिट भी अच्छा। यूं एक और चीज में ऐड कर लोगे तो आगे भी कभी काम आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हाई होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लोअर होता है, और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लोअर होता है तो प्रॉफिट भी हाई हो जाता है। 9.2 को देखते हैं। डैनियल मेड एन एरर व्हेन ही कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हिच मींस दैट इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड। हमने पहले ही पढ़ा था इसके अंदर, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अंडर स्टेटेड, और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर स्टेटेड हो जाता है तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाता है और कैपिटल भी ओवर स्टेटेड हो जाता है। हाउ आर हिज नेट प्रॉफिट, अच्छा अब ये क्या लिखा है कि विच मीन दैट द इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड, हाउ आर हिज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर अफेक्टेड बाय दिस एरर। इस एरर की वजह से क्या होगा, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अंडर स्टेटेड प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएगा और नेट एसेट यानी कैपिटल भी ओवर स्टेटेड हो जाएगा। बीटा इज द राइट आंसर। 9.2 का राइट आंसर जो है बी हो गया। 9.3 को देखते हैं। योर ऑर्गेनाइजेशन यूज कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन। कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड जो है परपीचुअल में यूज होता था, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहा है। तो इसमें सबसे इजीएस्ट वे ये है बच्चों, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे हमने बहुत इसको आप जो है कम्युलेटिव वेटेड एवरेज मेथड भी कहते थे बच्चों, तो कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड में आप किस तरह करोगे ये आपको देखना है। कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30 यूनिट है, 2 रुपए कह के हैं तो ये हो गए 60। तो 30 यूनिट है, 2 रुपए के हैं तो 60 ही आ गया बैलेंस में भी। परचेज करें 50 यूनिट, परचेजेस है 50 यूनिट है 2 रुपए 40 पैसे वाले, 50 यूनिट है 2 रुपए 40 पैसे वाले, तो 120 रुपए ही आ गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यूनिट में यूनिट ऐड हो जाते थे, 30 यूनिट थे 50 और हो गए तो 80 हो गए, 60 यूनिट थे 60 रुपए थे पहले के ओपनिंग के और 120 ही आ गए तो 120 और आ गए तो 180 हो गए। 180 को डिवाइड कर दो 80 से, 2.25 का रेट हो गया। आई मीन टू से दैट 2.25 का रेट हो गया,
एवरेज कर दिया। इसके बाद इशूड हुए तो 40 यूनिट चले गए, तो 40 बच गए 2.25 वाले, 90 हो गया। फिर परचेजेस आई हैं 60 यूनिट की 2.50 वाली, 60 × 2.5 150 आ गया। 40 में 60 जमा करा, 100 हो गया, 90 + 150 = 240 डिवाइड बाय 100 2.4 आ गया, नया रेट 2.4 आ गया। हर एक परचेजेस में आपका रेट चेंज होता है। इशू में 25 यूनिट चले गए, 100 में से 25 यूनिट चले गए, तो आई मीन टू से दैट आपके पास 75 यूनिट्स बच गए हैं। 25 यूनिट इशूड हो गए तो 75 यूनिट्स बच गए 2 रुपीज़ 40 पैसे वाले। तो 75 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.4 गिव्स यू 180। तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा था 180, द राइट आंसर इज सी, चार्ली डायरेक्ट किया है। तो ये हमने कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड से ये एमसीक्यू कर लिया। 9.4 में देखते हैं, ड्यूरिंग मे 2007 सारास परचेज वर 126,500, सेल्स वर इज 150, सारा ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20% ऑफ सेल्स, द वैल्यू ऑफ आर इन्वेंट्री ऑन फर्स्ट मे इज 12,500। क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है 31 मे का। इसका एक तरीका कार ये है कि अगर आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आता हो, सेल्स की आपने उसमें से आप माइनस करते थे, अगर याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते थे तो आपके पास ओपनिंग, उसमें ऐड करते हो आप परचेजेस, तो इसमें से लेस करते हो आप क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। अब इसने सवाल के अंदर ओपनिंग सेल्स दी हुई है 150,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 20% ऑफ सेल्स, फर्स्ट की ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500, परचेजेस दी हुए 126,500 की, तो 12,500 जमा 126,500 139,000 क्लोजिंग स्टॉक गायब कर दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बदल जाए तो भी निकाल सकते हैं। मिसिंग यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के जो है, आगे हमारा चैप्टर आएगा तो उसके अंदर भी हम कवर करेंगे। मैंने फौरन से पहले SCP प्रॉफिट मार्जिन लिखा, और प्रॉफिट मार्जिन में 20% लिखा, और ये है 100, तो ये 80% हो गया। 150,000 सेल दी हुई है जो के बराबर है 100% के, आप 80% ले लो। 150,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 गिव्स यू 120,000। 120,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों। अब आप 139 में से 120 माइनस कर दो, 139,000 माइनस 120,000 19,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बीच का डिफरेंस है। आपको क्लोजिंग स्टॉक छुपा के रखी हुई थी। अब आगे देखते हैं 9.5 में, पॉल डिस्कवर्ड दैट गुड्स विद अ कॉस्ट 5,000 एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 3,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द ईयर इन्वेंट्री काउंट, व्हाट एडजस्टमेंट्री हैड बीन मेड। तो आपके पास इन्वेंट्री कॉस्ट जो है 5,000 है किसी गुड्स के, और उसी की NRV 3,000 है, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV विच एवर इज लोअर। तो 3,000 से इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी। 9.5 का अलहमदिल्ला जो आंसर है वो आपका बीटा हो गया। 9.5 का आंसर आपका बी हो गया, और 9.4 का डी था, 9.3 का जो है आपके पास सी था। 9.6 पर आ जाते हैं, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू इज यूज व्हेन इश्यूज आर अज्यूम टू बी टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री इन ऑर्डर इन विच दे वर रिसीव्ड। यानी कि 9.6 ही बात कर रहा है कि वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो है इशूड जो है उसी में से कर लेते हैं जैसे ही इन्वेंट्री आती है, या विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज यूज व्हेन इश्यूज आर अज्यूम टू बी टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री इन ऑर्डर इन विच दे वर रिसीव्ड, जो कि पहले से रिसीव्ड हुई है, यानी उसमें से सबसे पहले देना है। तो 9.6 का मतलब ये हो गया बीटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी वो पहले ही बिकेगी। 9.7 को देखते हैं, एट 30 जून 2002
Dilip's inventory was valued at cost 45,400. This include items costing 2600 were have been superseded by updated design. यानी बहुत पुराने हो गए हैं. तो अब मेरा सवाल है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये हमने सवालात करे भी थे, टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है 45,400 का था. इसके अंदर शामिल है 2600 के स्टॉक जो कि बहुत सुपरसीडेड, बहुत पुराने हो गए. तो मैं क्या करूँगा, 45,400 में से बच्चों माइनस कर दूंगा 2600. आपके पास रिमेनिंग स्टॉक बच गया 4200. अब इधर एक कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी. ऑब्वियसली बात है 2600 रुपये उसकी कॉस्ट थी. अब कह रहे हैं डिलीप इज एबल टू सेल दीज आइटम थ्रू एन एजेंट 1400. उसको वो 1400 में बेच देगा लेकिन 140 रुपये उसको कमीशन देना पड़ेगा. एजेंट को बुलाया हमने, कहा यार इसका जो है बेचो, ये बहुत पुरानी होगी 140, तो 1400 माइनस 140 गिव यू 1260. तो 1260 जो है कम है और कॉस्ट ज़्यादा है. इस 1260 को जाके मैं ऐड बैक कर दूंगा रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक में. फिर समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक में से सुपर सीडेड या ओल्ड स्टॉक को माइनस करा, रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक 42,800 बढ़ गया. फिर मैंने कंपैरिजन कर दिया किस किस में, कॉस्ट और एनआरवी में, कॉस्ट और एनआरवी में कंपैरिजन कर दिया. जो भी लेस था उसको जाके वापस से ऐड बैक कर दिया. तो इसमें 1260 मैंने जमा करे तो 44,060 चार्ली इज द राइट आंसर. 44,060 जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ गया. 9.8 को देखते हैं. लेविना वैल्यूड हर इन्वेंट्री 31 दिसंबर एट कॉस्ट 11,480. इट इंक्लूड सम आइटम विच कॉस्ट 975. हार्ड टू सेल, यानी बहुत पुराने हो गए. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 11,480, उसमें से 975 के स्टॉक बहुत पुराने हो गए. तो मेरा सवाल यह है 11,480 में से 975 माइनस कर दो तो 10,505 आ गया, 10,505 आ गया. अब वो हमें इधर कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना होगा. कॉस्ट में आ गया आपके पास कि वो 975 इसकी कॉस्ट थी और ये बोल रहे हैं रीपैक की जाए, तो रीपैकिंग की जो है कॉस्ट 225 लगेगा और फिर वो 450 का बिकेगा. 450 में से 225 माइनस करो क्योंकि एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. तो अब 450 में से जब मैंने 225 माइनस कर दूंगा तो ये एनआरवी आ गई इसकी 225. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर. 225 कम है, 225 को जाके मैंने ऐड बैक कर दिया तो करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक आ गया. इसमें आप रिमेनिंग क्लोजिंग 10,505 को जमा कर दो, 10,730 आ गया. बीटा इज द राइट आंसर. Which of the following is the correct formula to calculate cost of goods sold? Cost of goods sold का formula आपने बहुत मरता वगैरह है. Opening stock at purchases less closing stock D is the right answer. Delta is the right answer. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 9.10 का आंसर जो है हमारा जो है वो 9.9 का आंसर D हो गया, 9.8 का आंसर जो है हमारा B हो गया, 9.7 का आंसर हमारा C हो गया. अब आ जाते हैं हम 9.10 के ऊपर. Tim's has recently 9.10 commencing trading. The material uses in the business are subject to regular prices. He is ensured that the value of inventory and trying to decide whether to use first in first out or continuous weighted average. अब आपसे पूछ रहा है 9.10 में कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. Tim profit would be unaffected by the method of inventory valuation. बिल्कुल गलत, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है. FIFO will lead a higher reported profit. बिल्कुल सही बात है, अगर इन टाइम्स ऑफ राइजिंग prices के ऊपर बात होती है. अब इसने बात तो ये नहीं करा है uses business and subject to regular price rises, लिखा हुआ है इन टाइम्स ऑफ प्राइजिंग rises. तो FIFO method जो है वो आपको higher profit देगा. तो 9.10 का आंसर बीटा हो गया. और Agnes sold some inventory which had bought 2622 for 1950 in cash. How are her asset and capital affected by the sale? Sold some inventory which he had bought. जो उसने 2622 की खरीदी थी लेकिन unfortunately बहुत पुरानी हो गई होगी, कुछ खराब हो गई कि तुमने उसको
1950 में बेच दिया मेरा बच्चा, तुमने उसको 1950 में बेच दिया, 2622 रुपए की चीज को 1950 में बेच दिया, यानी 672 का तुम्हें लॉस हुआ है। ऐसे इंसान लॉस नहीं करता, कुछ मसला हुआ होगा, डैमेज हो गई होगी, पुरानी हो गई होगी, वर्कर्स ने रखने में कहीं खराब कर दी होगी, कस्टमर ले ही नहीं रहा, आपने तो नहीं ली थी, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, लेकिन वो जो है कस्टमर नहीं ले रहा। तो आप क्या देखा जाए तो 672 से जो है एसेट भी आपका जो है डिक्रीज हो गया और आपका कैपिटल भी 672 से डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपकी क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो गया। जब क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होता है तो याद रख लो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है और कैपिटल भी कम हो जाता है। 9.12 पे जाते हैं, जरा देखते हैं सवाल के अंदर। द इंफॉर्मेशन बिलो इन्वेंटरी दिस मार्च 1 50 यूनिट्स ओपनिंग के थे, फिर परचेज है, फिर सेल्स है। अंडर द कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड एफ को व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड बाय जेड, 50 यूनिट से 40 रुपए पर यूनिट, 5 × 4 = 20, 2000 हो गया। फिर 50 यूनिट्स परचेज करें तुमने 50 वाले, 2500 हो गए, 50 में 50 यूनिट ऐड करें तो 100 हो गए, 2000 में 2500 जमा करें तो 4500 हो गए, 4500 को 100 से डिवाइड करा तो 45 का रेट आ गया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, यूनिट सोल्ड हो गए 60, 100 यूनिट्स में से 60 बिक गए, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहे, 100 में से 60 चले गए तो 40 बच गए बच्चों, 45 वाले हैं, 40 यूनिट बचे हैं 45 वाले, तो ये क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है मेरे पास, तो 40 यूनिट है 45 वाले, 1800 रुपये इसका राइट आंसर हो गया, बीटा इज द राइट आंसर। तो 9.12 का आंसर जो है बीटा हो गया। 9.13 पर जाते हैं, जरा देखते हैं सवाल में। अ फर्म हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 1 जनवरी ओपनिंग बाय बाय सेल करा है, फिर बाय फिर सेल। अ फर्म यूजेस पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है निल था, 10 यूनिट बाय करे थे 300 रुपये पर यूनिट 3000, 12 यूनिट थे 250 रुपये वाले, तो हम इसको देख लेते हैं, 12 यूनिट हैं 250 वाले 3000, और कौन से हैं, ये सेल हो गया, ये बाय है, 6 यूनिट हैं 200 वाले 1200, तो 10, 12 और 6, 28 हो गया, 6000, 7200, ये टोटल आ गया, 7200 टोटल कॉस्ट थी और 28 यूनिट थे, तो 7200 डिवाइडेड बाय 28 यूनिट, आपके पास रेट आ गया 257.14285। आपसे क्या बोला, व्हाट इज द इन्वेंट्री वैल्यू ईयर एंड, 28 यूनिट में से कितने सोल्ड आउट हो गए, एक सेल ये रहा 8 यूनिट और एक 12 यूनिट सोल्ड आउट हो गए, तो 20 20 में से 12 गए तो 8 यूनिट बच रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ रहा है 257.14285 से मल्टीप्लाई करा तो 2057 आंसर आ गया, बीटा इज द राइट आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की ट्रीटमेंट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन के सवालात विद रिस्पेक्ट टू बीपीपी एग्जामिनेशन किट के भी हमने कंप्लीट हो गया, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नए चैप्टर करेंगे। थैंक यू।